हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट ग्लैम गर्ल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी, होम रेमेडी, जो कि आपकी स्किन की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स को हटा देगी। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपकी बहुत ज्यादा डल स्किन हो रही है, उसे आपको करना है ब्राइट ग्लोइंग, या फिर आपकी स्किन में हो रहा है पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन हो रही है, आपकी स्किन में सन टैन है जिसे आप हटाना है, उस पर भी ये रेमेडी बहुत हेल्प करेगी। आपके फेस पे हो रहे हैं अगर एक्ने, पिंपल्स या फिर डार्क स्पॉट्स या फिर एक्ने के निशान, उन सबके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस रेमेडी में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इन सब चीजों को क्योर करने में बहुत हेल्प करते हैं और आपको देते हैं क्लियर, ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन। चलिए देख लेते हैं ये रेमेडी क्या है, पर मूव ऑन करने से पहले आप कर लें इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, फटाफट से देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। सो ये होम रेमेडी है, यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्टली आपको इसके लिए चाहिए होगा 1 स्पून ऑफ बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। ये बेसन है जो कि मैंने मेरे बोल में ले रखा है, ये 1 चम्मच बेसन है, ये आपके किचन में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पहले मैं आपको ये रेमेडी बताऊंगी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस रेमेडी में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो किस तरीके से आपकी स्किन को फायदा करते हैं। बेसन लेने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हनी, यानी कि शहद। लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो होगा लेमन, यानी कि नींबू। हमें लेना है 1/2 नींबू और हम इसे इसमें डाल देंगे। आपको ये लेमन स्क्वीज करना है, यानी कि इसकी 6 से 7 बूंदें आपको इसमें डालनी है, कुछ इस तरीके से। इस कंसिस्टेंसी का आपका मास्क बनेगा। ये मास्क बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने पानी से अपने फेस को धो लिया है। आप चाहें कहीं बाहर से आ रहे हैं तो जरूर क्लेंजर या फेस वॉश से अपना चेहरा जरूर धोए ये यूज करने से पहले। इसमें जो मैंने बेसन डाला है, यानी कि ग्राम फ्लोर, वो आपके सन टैन को रिमूव करेगा, आपकी डेड स्किन को हटाएगा, आपकी स्किन को क्लियर ग्लोइंग बनाएगा, ऑल्सो आपकी स्किन को फेयर बनाएगा। इसमें जो मैंने हनी डाला है उससे आपकी एक्ने रिमूव होगी, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, तो ये आपकी एक्ने को ट्रीट करेगा, फ्यूचर में भी आपकी एक्ने नहीं होने देगा। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपकी स्किन जो है उसमें एजिंग नहीं होगी, आपकी स्किन यंग रहेगी और आपका कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होगा। और हनी आपकी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग भी है, नरिशिंग भी है। ऑल्सो इसमें जो मैंने लेमन जूस ऐड किया है उसमें वाइटामिन सी बहुत अच्छे से होता है, जिससे आपकी स्किन ब्राइटन और लाइटन होती है इसको रेगुलर यूज करने से। इस मास्क को मैं मेरे चेहरे पे रहने दूंगी 15 मिनट के लिए, इसके बाद मैं मेरा चेहरा नॉर्मल पानी से ही धो लूंगी। सो गाइस, अब मैंने मेरा जो फेस है वो पानी से धो लिया है। पानी से धोने के बाद मैं आपके साथ क्लियरली शेयर कर सकती हूँ ये चीज कि मेरा फेस ग्लोइंग तो जरूर हुआ है। ऑल्सो गाइज, ये जो मास्क है इसके परमानेंट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व करेगा। अगर इसके परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको यूज करना होगा इसे हफ्ते में 4 दिन, और आपको हर रोज इसे 15 मिनट तक लगाना है और फिर वॉश कर लेना है, चाहे आप किसी भी टाइम पर इसे यूज करें, पर यूज जरूर करें। एंड आई कैन डेफिनेटली टेल यू गाइस कि आपकी जो डिजायर्ड स्किन है, जो आपको चाहिए, वो आपको जरूर मिलेगी। और ये जो है आपकी स्किन को डेफिनेटली क्लियर बनाएगा, ऑल ओवर ब्राइट बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा आपकी स्किन को। आप चाहें तो जहां पर भी आप सन टैन है, हैंड्स पर भी, लेग्स पर भी, आप ये मास्क जरूर ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो, यूजिंग जस्ट किचन इंग्रेडिएंट्स जिसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगे, होम रेमेडी जिससे आपकी स्किन क्लियर ब्राइट हो जाएगी एंड आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग भी बनेगी, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं आप सब में से किसी एक पर्सन का नेम है मेरी आने वाली वीडियो सुनो, तो वो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट कर लें डन। और इससे मैं आप सब में से किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूंगी। और आज जिसका नेम मेरी वीडियो में लूंगी वो है हादिया। सो शाउट आउट टू यू गर्ल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।